फिफ्थ ग्रेड सिक्स मैथ डे फाइव एक्सरसाइज 4.6 एक्सरसाइज 4.6। अब इसमें सर्कल के बारे में मैं कुछ बताती हूँ आपको, सर्कल के बारे में भी बता रखी हूँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताई थी। अब इसमें बता रखा है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, इसमें से क्या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए दे रखा है, ये असाइनमेंट में भी मैं ये क्वेश्चन दे रखी हूँ आपको। इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अब इसके सेंटर कौन सा है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड थ्री रेडियस, रेडियस कौन से हैं, रेडियस कैसे होता है, जैसे सर्कल होता है ये जो सेंटर पॉइंट होते हैं उससे इस साइड वाले चाहे कोई से भी टच कर रहे हो सर्कल को उसको रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस कौन सा बता सकती हूँ मैं, ए ओ देन ओ सी और ओ बी, तीन हमारे पास रेडियस कौन से आ गए, ए ओ ओ बी एंड ओ सी रेडियस आ गए। देन थ्री रेडियस, ए डायमीटर, डायमीटर कौन से होते हैं, डायमीटर मतलब ये रेडियस जितना होता है उसके डबल, रेडियस जो आधा होते हैं उसके डबल होते हैं। देन ए डायमीटर ए सी, देन ए कॉर्ड, कॉर्ड कौन से होते हैं, जैसे ये डायमीटर है जो सबसे लॉन्ग कॉर्ड होते हैं और उससे जो छोटे होते हैं इसको डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं। देन कॉर्ड इज ई एंड डी, ई डी, देन टू पॉइंट इन द इंटीरियर, इंटीरियर पॉइंट कौन से हैं, एक तो पी है एंड ओ, फाइव में पी एंड ओ, देन सिक्स में ए पॉइंट इन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू, देन ए सेक्टर, सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे ए ओ बी इसको हम कवर कर रखे हैं इसको सेक्टर बोलते हैं, ए ओ बी सेक्टर होते हैं, ए ओ बी एंड सेगमेंट, सेगमेंट ई डी। आपको ये सर्कल समझाने के लिए ही मैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता रही हूँ कि कौन से सेक्टर होते हैं, कौन से सेगमेंट्स होते हैं, कौन से इंटीरियर पॉइंट होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं या डायमीटर, कॉर्ड। यस, आपको इसको देखते ही आपके जो असाइनमेंट है उसको करना है। थैंक यू।